आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो सैमसंग गैलेक्सी M14 5G का प्राइस 2000 रुपीज ज्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो G54 5G से काफी पीछे रह जाता है। क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के M14 5G में सैमसंग के एक्जिनोस 1330 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के M14 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 3,66,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 3,84,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो का G54 5G काफी बेटर हो जाता है। क्योंकि मोटो G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3600 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के M14 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो सिर्फ 2700 निकल के आता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी डिस्प्ले में ज्यादा एडवांटेज मोटो G54 5G के डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। 6.5 इंच की फुल HD प्लस 5 इंच वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ गैलेक्सी के M14 5G में 6.6 इंच की प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में 5 इंच देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेमी अपर्चर का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी कम प्राइस होने के बावजूद भी कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है मोटो का G54 5G। क्योंकि मोटो G54 5G के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के M14 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी मोटो G54 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि गैलेक्सी के M14 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो गैलेक्सी के M14 5G में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G54 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता, जबकि गैलेक्सी के M14 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो गैलेक्सी के M14 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में भी 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 30 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस में एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 2000 रुपीज कम खर्च करके मोटो के G54 5G को ही बाय